घर में विराजमान गोपाल जी को रात्रि विश्राम किस प्रकार कराना चाहिए? आज सुबह के सत्र में जो लोग मिलने आए थे उन सब से एक भाव मैंने कहा था कि ठाकुर जी की सेवा में आपकी जिज्ञासाएं उस दिन समाप्त हो जाएंगी जिस दिन आप पूजा बंद करके सेवा प्रारंभ कर दोगे। आप अपने परिवारजनों के हित में जो भी क्रिया करते हो वो किसी से पूछ के नहीं करते। भुआ फूफा जीजा दीदी चाची चाचा ताऊ ताई बहन भाई पति पत्नी ये जितनी भी संबंध हैं हमारे हम और या फिर मित्र सखा आदि जो भी इन सब संबंधों को हम यथामति अपने आप पालन करते हैं, किसी के द्वारा सिखाना नहीं पड़ता या सीखना नहीं पड़ता। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, आपस की बातचीत सब बिल्कुल बंद। 3 बजे से लेके 7 बजे तक हमारा समय है, कोई नहीं बोलेगा। सब लोग कथा श्रवण करो। मैया लगी तो नहीं आपको? हाँ, विराज जाओ। तो घर में विराजमान जो आपके अर्चावतार जो ठाकुर जी हैं वो आपके लिए आए हैं, आप उनसे किसी भी भाव का संबंध रखो। सबसे बढ़िया संबंध है सखा का, ठाकुर जी को अपना मित्र मान लो। उसके बाद एक साधारण मित्र के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार ठाकुर जी के संग रखो, लेकिन हाँ कहीं कहीं मर्यादाओं का ध्यान रखना क्योंकि वे ठाकुर जी भी हैं। लेकिन यदि हमसे पूछें कि ठाकुर जी को शयन कैसे कराना चाहिए तो सुनो, रात्रि में ठाकुर जी को भोजन पवाने के बाद उसके बाद ठाकुर जी के वस्त्र जो हैं और ठाकुर जी के जो श्रृंगार आदि आपने किया वो सब बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब सब निकाल दो और रात्रि के ठाकुर जी के अलग श्रृंगार रखो, जैसे मोतियों की पतली हल्की माला और सूती का हल्का पतला वस्त्र, जैसे जो हमारा नाइट वियर होता है। बस ये है कि लाल जी बिना माला आदि के ये तो उनके संग चाहिए ही चाहिए। तो एक हल्की सी माला, सूती के वस्त्र सुंदर हल्के से, और ये इस बीच में प्रक्रिया एक और करनी है कि जब श्रृंगार उतार दो उसके बाद सुंदर सा इत्र लेकर के और ठाकुर जी को एक बार मालिश कर दो। और जैसे लड्डू गोपाल हैं बेचारे पूरे दिना घुटने पे बैठे रहे हैं तो दर्द हो गया होगा, तो थोड़े पाँव वाँव ठाकुर जी के दबा दो, लाला पूरे दिना है गए हो एक ही आकार में बैठे हो, आपको श्रम हो गया होगा कष्ट हो गया होगा, अब हम रात्रि में आपको सुला देंगे तब सहज हो जाना, सीधे होके सो जाना, पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हो। तो इस भाव से ठाकुर जी को इत्र लगाओ और सर्दियों के समय में घी लगाओ, घी से मालिश करो ठाकुर जी की रात्रि में सोते समय। और फिर उसके बाद सूती आदि के वस्त्र पहना करके सर्दियों में गर्म वस्त्र, गर्म वस्त्र बोले तो जैसे हमारे ठाकुर जी लबादा पहनते हैं, लबादा बोले तो एक प्रकार की जैकेट होती है ठाकुर जी की, जैसे ये हमने बगलबंदी पहनी है ना, ये बगल में बांधते हैं, ऐसे ही लबादा बनता है ठाकुर जी का। उसमें ठाकुर जी छुप जाते हैं, केवल मुंह मुंह दिखाई देता है। तो ये तो रहे वस्त्र आदि। फिर उसके बाद ठाकुर जी को हल्की सी माला धरा के और फिर शयन सैया ठाकुर जी का जो बिस्तर है उस पर इत्र बढ़िया लगा करके नवीन जल भर के रख दो। एक बंटा जी, बंटा जी बोलते हैं ठाकुर जी का टिफिन समझ लो, एक छोटा सा टिफिन रखो ठाकुर जी का। क्यों? बोले आपने जो पवाया ठाकुर जी ने पा लिया, लेकिन उनको तो भूख वैसे भी लगती है, उस टिफिन में कुछ ना कुछ भर के रखा करो और सवेरे फिर उसको सब में बांट दो, फिर सवेरे दोबारा भर दो, उसको बंटा भोग कहते हैं। तो रात्रि में कुछ रख दो पास में। और सबसे विशेष बात, जितना भी श्रृंगार उतारा है आपने और जो वस्त्र उतारे हैं वो कहीं और नहीं रखने, ठाकुर जी के पास ही रखो रात्रि में। क्यों? उसके पीछे एक भाव सुनो,
शयन ठाकुर जी हमारे लिए करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ठाकुर जी जैसे ही हम लोग सो जाते हैं ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। श्री किशोरी जी और समस्त गोपियां, गोप ग्वाल सब प्रकट हो जाते हैं और ठाकुर जी के साथ फिर रात भर लीला करते हैं। तो उस समय ठाकुर जी लीला में जाएंगे और ऐसे साधारण वस्त्र पहन के जाएंगे तो फिर किशोरी जी डांटेंगी उनको, कैसे बन के आए हो, यहाँ पे लीला करनी है और आप बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के वस्त्र पहन के आए हो। तो ठाकुर जी का श्रृंगार पास में ही रख दो कि रात्रि में यदि जाना पड़ जाए लाल जी को तो अपने आप श्रृंगार उठा के पहन के चले जाएंगे। ये सब देखो भाव की सेवा है, भाव प्रधान रखो, सेवा अपने आप होगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी, वो सब पास में रख दो। और उसके बाद में फिर वैसे तो आश्रय का पद गाना चाहिए, उसको एक प्रकार से लोरी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ लोरी जैसा ही समझो, आसावरी, वो कौन सा राग है, बिहाग, बिहाग राग में जिनको संगीत थोड़ा बहुत आता हो वो रात्रि में ठाकुर जी को पद सुनाओ। कैसे पद सुनाओ, यूट्यूब में से इतना पार्ट निकाल लेना, अपने फोन में रख लेना, हम गा देते हैं। नैनों में नींद भर आई लालन झुके, नैनों में नींद भर आई, कौन श्री लालन झुकी सेज सजावे, कौन भरे जल झारी लालन झुके, नैनों में नींद भर आए, ललिता श्री लालन झुकी सेज सजावे, विशाखा भरे जल झारी। ये दो सखियां हैं ठाकुर जी की, विशाखा भरे जल झारी लालन झुके, नैनों में नींद भर आए, नैनों में नींद भर आए, नैनों में नींद भर आए। ये पद गा करके और धीरे धीरे ठाकुर जी की चद्दर रजाई जो भी है उसको कंठ तक ले जाओ और ठाकुर जी को सुला दो। ठाकुर जी तो सुख में सोएंगे भी, आप भी सो जाओगे फिर। ये शयन का भाव है। और एक और काम हो सके तो करना चाहिए, ठाकुर जी के वस्त्र आदि बदलने के बाद फिर दूध भोग लगाओ और दूध भोग लगाने के बाद हल्की धीरे धीरे घंटी बजाओ और एक दिए से बहुत धीरे धीरे आरती करो, लाइट थोड़ी कम कर दो। हम जहाँ रुके हैं आज वहाँ के लोगों को आमंत्रण देते हैं, रात्रि में आना, अपने लाल जी का शयन दिखाएंगे कैसे करते हैं। सब सब नहीं आना, जिनके यहाँ रुके हैं वो लोग आ जाना ऊपर। हाँ अगली बार कथा हो तो फिर अपने जिन जिन लोगों को ये दर्शन की अभिलाषा है अपनी घर व्यवस्था करना हमें रोकने की तो फिर ये सुख मिलेगा। पहले हमारी व्यवस्था अग्रसेन भवन में ही थी लेकिन लाल जी को घर पर रुकना था। हैं? सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे, लाल जी जिससे रीझ जाते हैं उसके यहाँ अपने आप पहुंच जाते हैं। फिर क्या प्रश्न है, महाराज जी मासिक धर्म को निषेध क्यों कहा गया है, मंदिर या रसोई में जाना अवैध क्यों माना जाता है। कथा है सुना देते हैं, वैसे तो आज क्रम में आनी थी लेकिन बहुत कथा है इसलिए शायद मैं ना कह पाऊं, इसलिए अभी सुना देता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब, माताएं भाई लोग बहनें सब बिल्कुल ध्यान से एकाग्र पूर्वक सुनिए। जो मास पर्यंत हमको माताएं बहनों को हम निषेध करते हैं वैदिक कार्यों में, पूजा अर्चना आदि में, उसके पीछे कारण क्या है। इंद्र ने, देवताओं के गुरु थे उनका नाम था त्वष्टा, क्या नाम था, त्वष्टा।
जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने गुरु पद का त्याग कर दिया तो उसके बाद देवताओं के गुरु बने त्वष्टा। तो त्वष्टा जो थे ये दैत्यों के भांजे थे। कौन थे? दैत्यों के भांजे। अच्छा, दैत्य और देवता और दानव, ये तीनों कोई अलग थोड़ी है, एक ही खानदान के हैं, सब भाई हैं आपस में। कश्यप ऋषि की संतान है, दिति अदिति और दनु, कश्यप की तीन पत्नी हैं। अदिति से हुए देवता, दिति से हुए दैत्य और दनु से हुए दानव, हैं सब कश्यप ऋषि के ही बालक। लेकिन इसमें आपस में इन सब में भेद रहता है। तो देवताओं के जो गुरु थे वे बने त्वष्टा, और त्वष्टा दैत्यों के भांजे थे। तो गुरु जी बन गए जब त्वष्टा, तो रोज अपने शिष्यों के नाम से हवन करते थे। तो एक दिन सारे मामा इकट्ठे होके आ गए, बोले क्या हो रहा है भांजे राजा, कथा सुनो। ये कथा बहुत जानने योग्य समझने योग्य है, माताओं को भी पता चले कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान किया है, और भाइयों को भी पता चले कि ये माताओं का कितना बड़ा सेक्रीफाइस है इस संसार के लिए। तो दैत्यों के भांजे और देवताओं के गुरु एक ही हैं, त्वष्टा। तो त्वष्टा एक दिन यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते करते इतने में ही दानव आ गए, दैत्य आ गए, और आकर के बोले भांजे क्या हो रहा है। बोले कुछ नहीं पिताजी, अपने शिष्यों का बल बढ़ा रहा हूँ। बोले अपने शिष्यों का बढ़ा रहे हो, हम भी तो तुम्हारे मामा हैं, हम पर भी थोड़ी दया किया करो तानपुरा, हम पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। तो मातृ प्रलोभन में आकर के मामाओं के इस करुण भाव को जान करके त्वष्टा ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। वे देवताओं के लिए भी यजन करते थे और समय मिलने पर दैत्यों के लिए भी यजन करते थे। गुरुद्रोह तो सुना था, लेकिन यहां पर शिष्य द्रोह हो रहा था। तो एक दिन इंद्र दर्शन करने के लिए आए अपने गुरु जी का, त्वष्टा के दर्शन करने के लिए जैसे ही पहुंचे, और उस समय त्वष्टा कर रहे थे दैत्यों के नाम का हवन। जैसे ही इंद्र पहुंचे और अपने गुरुदेव को दैत्यों के लिए हवन करते हुए देखा, तो इंद्र को क्रोध आया। बोले हम तो सोचते थे ये दैत्यों के भांजे हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं तो हमसे छल नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने छल किया। और इंद्र ने निकाली अपनी तलवार और त्वष्टा का सर धड़ से अलग कर दिया, अपने गुरु को ही मार दिया इंद्र ने, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, और इंद्र के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए। ब्रह्म हत्यारों को स्वर्ग में आना निषेध है, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो। ब्राह्मण हत्या जब इंद्र को लग गई तो सब देवताओं ने विचार किया कि भाई हम लोग राजा विहीन हो गए तो दैत्य चढ़ाई कर देंगे स्वर्ग पर, कैसे इंद्र को पुनः राज्य गद्दी पर बिठाया जाए। तो विचार मंत्रणा करके, खोजबीन करके, जब ये बात सामने आई कि यदि कोई चार लोग इंद्र के ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर ले लेंगे तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा और उसको स्वर्ग की राजगद्दी मिल जाएगी। ब्रह्म हत्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म हत्या का मतलब पापों में भी महापाप। पांच या छह प्रकार के महापाप हैं, मैं श्लोक खोज के एक कल की कथा में बताऊंगा कौन कौन से महापाप हैं। उनमें एक महापाप ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको कभी स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, उसको कभी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इंद्र को कैसे अब स्वर्ग नहीं जाएगा, तो फिर स्वर्ग का राजा है इंद्र। तो सबने विचार किया कि यदि कोई चार लोग अपने ऊपर ब्रह्म हत्या ले लें इंद्र की, तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा। और इंद्र ने भी कह दिया जो भी लोग मेरी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेंगे मैं उनको वरदान भी दूंगा। तो सबसे पहले ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा जल, पानी। तो पानी में जो ब्रह्म हत्या का दोष है वो है पानी में स्वतः प्रकट होने वाला झाग, फैन समुद्र में आता है, उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। उसका स्पर्श करके आपको फिर स्नान करना चाहिए।
लेकिन जब वो समुद्र के अंदर होता है और तीर्थ का कोई समुद्र होता है तो वहां स्नान में दोष नहीं होता क्योंकि तीर्थ में है। लेकिन पानी में उठने वाला जो झाग है उसको ब्रह्मत्या का दोष माना गया है। और इंद्र ने पानी को ये वरदान दिया कि हे जल, तुमने मेरा ब्रह्मत्या स्वीकार किया, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम कभी भी किसी के रूप को बिगाड़ोगे नहीं। जिस वस्तु में तुमको मिलाया जाएगा उस वस्तु का रस और सुंदर हो जाएगा। इसलिए बिना जल के कोई भी अधिकतर 90-99% कोई भी वस्तु निर्मित नहीं हो सकती। जल का आवश्यक हर वस्तु में है। तो पहली ब्रह्मत्या ली जल ने, दूसरी ब्रह्मत्या अपने ऊपर धारण की पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी लाल मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्मत्या का दोष है। और पृथ्वी को वरदान दिया इंद्र ने कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा करे लेकिन एक दिन तुम अपने आप भर जाया करोगी, तुम में कभी गड्ढा रह नहीं पाएगा, ये पृथ्वी को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर धारण किया वृक्षों ने। तो कई वृक्षों के पत्तों को तोड़ने पर उनसे निकलने वाला श्वेत रंग का जो उनका लिक्विड पदार्थ होता है वो ब्रह्मत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को इंद्र ने वरदान दिया कि कोई तुमको कहीं से भी काट दे लेकिन तुम पुनः उदित हो जाया करोगे। इस प्रकार तीन लोगों ने ब्रह्मत्या को लिया और चौथी ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लेने के लिए आगे आई मातृशक्ति नारी। नारी ने कहा हम ब्रह्मत्या को स्वीकार करती हैं तुम्हारे को। तब इंद्र ने कहा कि हे माताएं, आप लोगों ने मेरी ब्रह्मत्या को स्वीकार किया, मास प्रत्येक मास कुछ दिनों के लिए मेरी ब्रह्मत्या के लिए आपको अपवित्र होना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं। वरदान सुन के आनंद आ जाएगा, लेकिन मैं आपको वरदान करता हूं कि पुरुष को आप अपने वश में कर पाओगी, ये शक्ति आपके पास होगी। पुरुषों को अपने वश में करने की शक्ति मैं आपको प्रदान करता हूं, ये इंद्र का वरदान है माताओं को। तो इसलिए मासिक धर्म जो माताओं को होता है वो इसीलिए है कि इंद्र ने, इंद्र का जो ब्रह्मत्या का दोष है भागवत अनुसार वो माताओं ने स्वीकार किया, इसी कारण वे मास के कुछ दिन ठाकुर जी का स्पर्श आदि नहीं करती, क्योंकि ब्रह्मत्या का जो स्वरूप है वो महापाप माना जाता है। उसमें उनका दोष नहीं है लेकिन उतने दिन वे अपवित्र हैं। इसलिए ठाकुर जी के वैदिक कार्य और रसोई घर में जहां प्रसाद बनता है, जिस घर में प्रसाद नहीं बनता उसमें तो चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां ठाकुर जी का भोग बनता है वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे तो किसी को भी अपने हाथ का बना प्रसाद माताओं को उन दिनों में नहीं देना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया गलत होती है। माताओं को कई घरों में बड़े गलत भाव से प्रस्तुत किया जाता है इस इन दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनका बलिदान है इंद्र के। इसीलिए स्वर्ग आज तक, इंद्र आज तक राज्य गद्दी पर बैठा है क्योंकि माताओं ने उसके श्राप को अपने ऊपर लिया। तो इसलिए माता जी नहीं जाना चाहिए। फिर क्या है, गुरु जी को कोटि को प्रणाम। अच्छा, कृपया करके आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्म एवं कर्तव्य विषय पर चर्चा कर इस विषय पर प्रकाश डालें। युवा पीढ़ी के लिए कर्म एवं कर्तव्य, देखो व्यक्ति कर्म आजकल अपने आप सुनिश्चित करता है कि मुझे क्या करना है। वो किसी के कहने पर या किसी के बताए गए मार्ग पर चल करके तो कोई कर्म करता नहीं। कर्म और कर्तव्य दोनों में अंतर है।
कर्म आत्मपोषण के लिए किया जाता है और कर्तव्य सामाजिक और व्यवहारिक पारिवारिक पोषण के लिए किया जाता है। जैसे कि ये कथा कराई जा रही है बगड़िया परिवार की ओर से, ये कर्म नहीं है, ये कर्तव्य है। आप जो अपनी दुकान पर जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, आदि आदि जो कर्म करते हैं वो कर्म हैं, वो आप अपने आत्मपोषण के लिए कर रहे हो, लेकिन कर्तव्य व्यवहार पोषण के लिए किया जाता है। तो आजकल के बच्चे कर्म को तो समझते हैं कि हाँ हमको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या हमको अपने एम्स फॉलो करने हैं, हमको ये सब करना है, ये कर्म को तो वे लोग जानते हैं, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करना आज की पीढ़ी भूल चुकी है। और एक बात कहूं, 3 दिन से रोज आप युवाओं को डांट पड़वा रहे हो, लेकिन इसमें डांट पड़नी बड़ों को चाहिए, क्योंकि वे कर्तव्य भूल रहे हैं आप लोगों के कारण। मैं आज के युवाओं की परिस्थिति बताऊं तो आजकल के बुजुर्ग उतने धार्मिक नहीं होते जितने युवा होते हैं। आप कभी मेरी कथाओं में आकर के युवाओं को देखोगे, कई स्थान के युवा कथाओं में आते हैं, उनके भाव इतने अद्भुत होते हैं कि उन भावों को कोई पा नहीं सकता। इसका मतलब मेरा संशोधन, मेरा एक विचार ये कहता है कि युवा बताए गए मार्ग को यदि आप सिद्ध करके उसको बता दो तो वो करेगा, लेकिन उसको बताने वाला नहीं मिला है अभी तक। आज का युवा धर्म से दूर नहीं है, आज का युवा वैदिक सनातन धर्म को ऐसा नहीं जानना नहीं चाहता, लेकिन सनातन धर्म और हमारा वैदिक धर्म क्या है ये उनको बताने वाला नहीं मिला आज तक। और एक बात कहूं आपसे, व्यासपीठ या व्यास गद्दी से प्रवचन किया जा सकता है, लेने वाला ले, नहीं लेने वाले मत लो, लेकिन ये जो कर्तव्य निर्वहन होता है ना, ये तो माता पिता का ही धर्म है समझाना अपने बालकों को, ये और कोई नहीं समझाएगा। घर के माता पिताओं को शास्त्र आज्ञा करते हैं, माता शत्रु पिता बैरी ये न वालो न पाठितः। जो अपने बालकों को समय समय पर ज्ञान उपदेश नहीं करते माता पिता, ऐसे माता पिता बालक के शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी। इसलिए बंधुओं, गलती हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में ही इतना लाड़ प्यार कर देते हैं कि वो लाड़ प्यार हमारा खत्म ही नहीं होता, चले ही चला जाता है, और वो एक समय पर आकर के इतना भयंकर हो जाता है कि बच्चे हमारे मुंह पर कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं और हम सुनते रहते हैं। बचपन में ये कह कर के शांत हो जाते हैं कि अभी बच्चा है, और बड़े हो जाने पर फिर कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों का कभी कभी अवलोकन किया करो, वहां एक एक चीज की विधा बताइए, कितने दिन लाड़ प्यार करो बच्चों को। लालयेत पंच वर्षाणी, बच्चों को केवल 5 साल तक प्यार करो, और 10 वर्षाणी ताड़ेत, जैसे ही बालक 5 साल का हो जाए, 4 साल तो खूब बढ़िया जन्मदिन मनाओ उसका, 5वां जन्मदिन भी मनाओ, लेकिन 5वें जन्मदिन के उपहार में क्या देना है? चल बेटा अब तुमको थोड़ा तराशा जाए, मिट्टी तो आ गई, स्ट्रक्चर तो बन गया, 5 साल में चलना फिरना बोलना सब शुद्ध हो जाता है, अब आओ थोड़ा तुमको हाथ लगाया जाए। हाथ लगाने का मतलब क्या है? थोड़ा बालक को भय बना करके रखो, वो आपके नेत्रों से ही डरे। देखिए एक मेरी बात मानो, डरना कहीं कहीं बहुत जरूरी है, गुरुओं के सामने, माता पिता के सामने बालक यदि किसी बात को कहने में संकोच करते हैं तो इसका मतलब वो बालक बहुत अच्छा है। जिस बालक को अपने माता पिता से संकोच नहीं होता ना, वो बिगड़ा ही समझो उसको। संकुचित हो माता पिता के सामने अपनी बात कहने में, अपने भाव कहने में, वो बात अलग है कि कहनी चाहिए, अपनी बातें कहो माता पिता से, लेकिन संकोच आपका आभूषण बन जाए। कहीं कहीं संकोच प्यारा लगता है, गुरु के सामने शिष्य का संकोच अच्छा लगता है, माता पिता के सामने बालकों का संकोच होना, संकुचित होना, ये दर्शाता है कि बालक के अंदर कितना सम्मान। अच्छा, संकोच उसी के सामने होता है जिसके प्रति हमारे अंदर सम्मान हो। जिसके प्रति हमारे अंदर सम्मान है उसके सामने संकोच क्यों करेंगे?
इसलिए लालयत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चों को खूब लाड़ प्यार करो, लेकिन जैसे ही 5 साल का बालक हो जाए, 10 वर्षाणी ताड़ेत, ताड़ने का मतलब मारना नहीं, थोड़ा सा बाउंड्रीज रखो उसके चारों तरफ, कहीं भी जाने नहीं देना है, कहीं भी कुछ भी खाने नहीं देना है, कुछ भी पहनने नहीं देना है, कुछ भी करने नहीं देना है। 15 वर्ष का बालक जब तक ना हो जाए तब तक थोड़ा अंकुश रखो उस पर। लेकिन शास्त्राज्ञा करते हैं प्राप्ते तू 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए, पुत्रम मित्र वदाचरेत, फिर जैसे ही 15 साल का हो जाए वो आपकी बेटी नहीं है, फिर आपका बेटा नहीं है, वो आपका मित्र है। फिर ऊंची आवाज में बोलना बंद करो, फिर उसको बात बात पर रोकना बंद करो, बात बात पर टोकना बंद करो, और जैसे एक मित्र होता है ना वैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दो। अगर आपने 15 साल की उम्र तक बालक पर अंकुश किया तो रोकना टोकना और ऊंची आवाज में बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। 16 साल का बच्चा होते ही उससे मन मित्रता कर लो। अच्छा, 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो कॉलेज जाने लगते हैं, स्कूल में, हाई स्कूल्स में पहुंच जाते हैं, अपनी मन की बातें किससे कहते हैं? सबसे ज्यादा अपने दोस्तों से कहते हैं। वो अपनी बहन को नहीं बता रहे हैं घर में, अपने भाइयों को नहीं बता रहे हैं, अपने माता पिता दादा दादी से नहीं बोल रहे हैं। बार बार कहां भागेंगे? स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि मित्र जो है वो बाउंड्रीज नहीं बनाता उसके लिए। उसको पता है कि मैं जो बात कहूंगा ये समझेगा, माता पिता की तरह रोकेगा टोकेगा नहीं मुझे, इसलिए वो सब बातें उनसे कहता है। तो क्यों ना तुम वो बाउंड्रीज खुद ही हटा दो, 15 साल के बाद बच्चे से मित्रता कर लो, इतने सहज हो जाओ कि वो सारी बातें तुमसे कहे। उसके प्रथम मित्र माता पिता। आजकल बच्चों के माता पिता मित्र नहीं है, इसीलिए आपके बुलावे पर ना वो कथा में आते हैं, आपके बुलावे पर ना वो मंदिर जाते हैं, आपके बुलावे पर ना वो कोई भजन वजन के काम करते हैं, क्योंकि आपने उनको मित्र बनाया नहीं है। मैं दोनों पक्षों की बात कह रहा हूं, जब तक ताड़ना करनी है तब तक करनी चाहिए, लेकिन जिस उम्र के बाद नहीं करनी है तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर शास्त्र की आज्ञानुसार हम लोग चलने लगे ना, तो सबसे मॉडर्न धर्म है हमारा हिंदू वैदिक धर्म, लेकिन हम लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है, उसकी वास्तविकता को जानते नहीं है। मॉडर्न किसे कहते हैं? हमारे जमाने में, हमारी भाषा में मॉडर्न का मतलब हो गया, अभी अभी की परिभाषा बोलूं मॉडर्न की तो यह है, जो बड़े बुजुर्ग करते हैं वो तुम ना करो वही मॉडर्न है। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, आपको पता है, अभी एक दिन आप बगड़िया जी बता रहे थे, हमारे खानदान में आपकी माता जी थी जाने कौन, जिन्होंने घूंघट की प्रथा का, भाभी थी हाँ, जिन्होंने घूंघट की प्रथा को रोका, बता रहे थे ना, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का है ही नहीं घूंघट प्रथा। ये तो जब मुगल आए भारत में तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी बहन बेटियों से कहा कि मुंह ढक के रहा करो, नहीं तो हमारे यहां था नहीं। केवल हाँ ये है, सम्मान में आज भी सिर तो ढकते हैं, लेकिन ये घूंघट करना ऊंचा ऊंचा, ये हमारे शास्त्रों में आज्ञा ही नहीं थी इसकी कभी। ये तो मुगलों से बचाने के लिए ये सब नियम बनाए गए। हमारा हिंदू वैदिक धर्म बहुत अच्छा है लेकिन लोग समझते नहीं है उसको। तो बच्चों के कर्म कर्तव्यों पर मैं तो बोल दूंगा, लेकिन समझाना आप लोगों को ही पड़ेगा। फिर आया, आजकल बच्चे लोग अधिकार मांगते हैं और अधिकार कर्म करने से अपने आप मिलता है, इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालो। किस चीज का अधिकार मांगते हैं बच्चे? आजकल के बच्चे केवल स्वतंत्रता मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, वो स्वतंत्रता को ही अधिकार समझते हैं, बाकी वो कोई अधिकार। अगर मांगने वाले बच्चे हैं तो मैं व्यासपीठ से कह दूं, अधिकार को अगर मैं अपनी भाषा में समझ रहा हूं तो अधिकार का मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, अगर ये सब मांगने वाले बच्चे हैं तो उनकी परवरिश ही खराब रही होगी। लेकिन अधिकार का मतलब कुछ और यदि आप कह रहे हैं, तो आजकल के बच्चों को अधिकार के रूप में केवल स्वतंत्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो स्वतंत्रता
देनी पड़ेगी, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन बच्चों को मैं एक बात कहूं, बहुत देर पक्ष ले लिया बच्चों का, अब थोड़ा बच्चों से एक बात कहूं कि लक्ष्मी नारायण की मंदिर में पूजा करना, राधा कृष्ण की, रुक्मणी कृष्ण की मंदिर में जाके पूजा करना एक द्वितीय श्रेणी की भक्ति है, लेकिन घर में जो पिता रूपी नारायण और माँ रूपी लक्ष्मी बैठी है उनकी अर्चना नित्य किया करो। उनकी आज्ञा का पालन ही तुम्हारे लिए धर्म है, उनकी आज्ञा का पालन ही तुम्हारे लिए शास्त्र है, उनके संग रहना और उनसे बात करना ही तुम्हारे लिए सत्संग है। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए भगवान के, पंडरीनाथ भगवान, उनका नाम था पुंडलीक। क्या नाम था? पुंडलीक। श्री विट्ठल भगवान, जिसके लिए आज तक पंडरपुर में दोनों कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं, ये पुंडलीक जो था ये बिल्कुल अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन माता पिता ने कहा, पुंडलीक हम लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था कर दो। पुंडलीक बोला, भगवान ने तो पैर दिए, चल के चले जाओ। माता पिता बोले, बेटा यहां से बहुत दूर है। तो पुंडलीक जो था वो माता पिता का बिल्कुल प्रेमी नहीं था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि हमको काशी जाना है, तो पुंडलीक ने कह दिया कि पैर दिए भगवान ने, चल के चले जाओ, मैं कोई व्यवस्था नहीं कराऊंगा। माता पिता बेचारे सीधे पैदल पैदल जाने लगे, लेकिन पुंडलीक अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ बहुत ऐशो आराम करता था। तो एक दिन उसके सारे मित्र बोले, अरे चलो भाई, मैं नया रथ खरीद के लाया हूं, इससे तुमको घुमाने ले चलता हूं। पुंडलीक बोला, कहाँ चलेंगे? बोले, हम लोग काशी चलते हैं, थोड़ी लंबी ड्राइव पर चलते हैं। पुंडलीक बोला, ठीक है। अब तो माता पिता को मना कर दिया था उसने, लेकिन अपने मित्रों से हाँ बोल के उनके संग जाने लगा। बीच रास्ते में पुंडलीक को दिखाई दिया कि मेरे माता पिता जा रहे हैं, तो पुंडलीक ने अपना मुंह भी फेर लिया, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया तो बोल देंगे कि हमको भी बैठा लो। ऐसा माता पिताओं से बैर करता था पुंडलीक। रात्रि का समय हो गया तो एक आश्रम में जाकर के सब सखाओं ने अपना रथ रोका और सब रात्रि भोजन करके वहां सोने लगे। अर्धरात्रि का समय हुआ, पुंडलीक को पता नहीं भूख प्यास कुछ लगी होगी। पुंडलीक उठ करके अपने कमरे से जैसे ही बाहर आया तो उसने क्या देखा, उस आश्रम के आंगन में परम सुंदरी तीन नारियां, परम कुरूपणी तीन नारियां झाड़ू लगा रही हैं। कुरूपणी मतलब उनका रूप देखने लायक नहीं था, उनको देखकर के ना देखने की इच्छा हो रही थी और वो झाड़ू लगा रही हैं। पुंडलीक थोड़ी देर देखता रहा, बोले कर क्या रहे हैं? तभी उसने देखा कि ज्यों ज्यों वो झाड़ू लगाती जा रही है त्यों त्यों उनका रंग साफ होता जा रहा है, नेत्र सुंदर होते जा रहे हैं, नासिका सुंदर होती जा रही है, उनका अंग प्रत्यंग सुंदर होता जा रहा है। और अंत में पुंडलीक ने देखा कि जैसे उनकी सेवा पूर्ण हुई वो परम सुंदरी नारियां अत्यंत तेजवान, अत्यंत सुंदरी बनकर के उसके सामने खड़ी हैं। पुंडलीक ने हाथ जोड़ करके कहा, माताओं आप कौन हो और ये क्या हुआ? मैं जब आया था यहाँ पर तब आपका रूप इतना सुंदर नहीं था और अब आप परम सुंदरी लग रही हो, ये क्या हुआ चमत्कार, मुझे इसके बारे में बताओ। उन तीनों ने अपना परिचय दिया, बोले कि हम तीन कोई और नहीं है, तीनों नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा तो आपका ये अभी क्या हुआ था यहाँ पर? बोले पुंडलीक, दिन भर ना जाने असंख्य लोग हम में स्नान करके अपने पापों को धो करके जाते हैं, अपने पापों को हम में युक्त करके जाते हैं। हम परम पवित्रा हैं, लेकिन इतने संख्या में लोग स्नान करते हैं कि उन सब के पाप हमको कुरूपणी बना देते हैं। तब रात्रि में हम विविध विविध आश्रमों में जाते हैं और उन आश्रमों में विचरण करने वाले वैष्णव भक्तजन, संत जन,
उनकी जो चरण रज पड़ी होती है उसको अपनी झाड़ुओं से उसका मार्जन करते हैं, तो जब मार्जन करते हैं तो वो उड़ करके हमारे अंग पर लगती है और हमारे जितने भी पाप जितने भी मैल हम में लगे हैं वो सब धुल जाते हैं और हम पुनः पवित्र हो जाते हैं। पुंडलीक ने बोला इतनी सामर्थ होती है संत जनों के चरण रज में, तो बोले हाँ। पुंडलीक बोला मेरे यहां संत महात्मा तो है नहीं, मुझे यदि ये करना हो कि मैं रोज अपने पापों को नष्ट करूं तो मैं क्या करूं। तब गंगा यमुना सरस्वती ने बताया, बोले संत जनों के चरण रज मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो घर में विराजमान संत स्वरूप जो माता पिता हैं, यदि कोई बालक नित्य उनको प्रणाम करे नित्य उनके चरण रज को अपने माथे से लगाए उसके पाप नित्य नष्ट होते हैं। जैसे ही पुंडलीक ने ये बात सुनी नेत्र सजल हो गए पुंडलीक के, बोले कि मेरे घर में माता पिता बैठे हैं और मैं बाहर जाकर के संत जनों के चरण रज ढूंढ रहा हूं। उसी समय तत्क्षण रात्रि में ही पुंडलीक निकल गया रथ लेकर के, अर्धरात्रि में बीच रास्ते में कहीं माता पिता सोए थे जाकर के चरणों में गिर के बहुत रोया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दो मैं आपको पहचान ना सका, आपकी कभी सेवा नहीं की मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। माता पिता दोनों को काशी विश्वनाथ दर्शन करा करके वापस लेके आया और उसी दिन उसने प्रण ले लिया, मेरा कर्म मेरा कर्तव्य मेरा जीवन मेरा सब कुछ मेरे माता पिता के चरणारविंद हैं। कोई उसको बोलता पुंडलीक मंदिर जाया करो तीर्थ या जाया करो कहीं जाया करो, तो हर चीज में अपने माता पिता को ही प्रणाम करता था, बोले यही तीर्थ है मेरे लिए। इतनी सेवा माता पिता की करता था कि द्वारिकाधीश उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। और एक दिन द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया, द्वारिका से निकल पड़े, रुक्मणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले अपने एक भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं और पुंडलीक के यहाँ पंडरपुर में पुंडलीक सेवा कर रहा था अपने माता पिता की। तभी सुंदर चंदन की सुगंधि आने लगी, तभी दिव्य तेज एक प्रकाश मानो जैसे गेट पे से अंदर भीतर आने लगा, नूपुरों की ध्वनि ठाकुर जी के आभूषणों की मचलन की ध्वनि पुंडलीक के कानों में जाने लगी। पुंडलीक बोला ये सुगंधि कहां से आ रही है, ये नूपुरों की आवाज, ये इतना प्रकाश कौन दे रहा है। द्वार पर खड़े हुए ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग में खड़ी लक्ष्मी बोली पुंडलीक अरे तुम सौभाग्यशाली हो, देखो तुम्हारे द्वार पर साक्षात द्वारिकाधीश आकर के खड़े हुए हैं, आ जाओ प्रणाम करो। पुंडलीक बोला कौन द्वारिकाधीश, बोले अरे नारायण, नारायण के अवतार कृष्ण, वो तुम्हारे आए हैं। क्यों आए हैं, बोले तुम्हारी माता पिता के चरणों में जो भक्ति है उससे प्रसन्न होके आए हैं। पुंडलीक बोला मैंने तो बुलाया नहीं इनको, मैंने तो इनको आमंत्रण भेजा नहीं, मैं माता पिता की सेवा इनकी प्राप्ति के लिए तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो केवल ऐसे ही मेरे माता पिता हैं इसलिए सेवा कर रहा हूं, तो फिर ये क्यों आए हैं। भगवान को तो कुछ नहीं लेकिन लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, बोले कि 45 मिनट से खड़े हैं और ये बाहरी नहीं आ रहा है। ठाकुर जी को बोले चलो यहां से, ये तो आदर सम्मान भी नहीं कर रहा आपका, ऐसे भक्त से क्यों मिलना। ठाकुर जी बोले तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो अब पुंडलीक के दर्शन करके ही जाऊंगा। ऐसे माता पिता के चरण कमलों में प्रेम करने वाले पुंडलीक को बिना देखे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा देखो ये तो खड़े हैं हट करके, तुम जब तक नहीं मिलोगे तब तक यहीं खड़े रहेंगे। पुंडलीक के पास में एक ईंटा रखा था, उसने वो ईंटा सरका दिया, बोले लो इस पर खड़े हो जाओ और खड़े रहो जीवन भर, लेकिन मैं अपने माता पिता के चरण छोड़ के नहीं आऊंगा। जैसे ही पुंडलीक ने यह बात कही लक्ष्मी जी रोकती रही लेकिन ठाकुर जी नहीं माने और उस ईंट के ऊपर जाकर के प्रतीक्षा की मुद्रा में, जैसे कोई प्रतीक्षा करता है किसी की, ऐसे प्रतीक्षा की मुद्रा में भगवान द्वारिकाधीश विट्ठल बनकर के वहां पर विराजमान हो गए। पुंडलीक वरदे श्री हरि विट्ठल, श्री पंडरीनाथ महाराज की जय।
माता पिता के चरण में प्रेम करने वाले पुंडलीक के लिए ठाकुर जी वहां पर विठल मन करके खड़े। तो बंधुओं, आजकल के बच्चों से बस यही है भाव, माता पिता को ही सर्वस्व मानो। चलो हमारी उम्र के बच्चे तो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो तो बहुत खतरनाक होने वाली है। कभी कभी हमको लगता है कि आप लोगों का बुढ़ापा तो ठीक निकल जाएगा, हमारा बुढ़ापा बहुत भयंकर जाने वाला है। हाँ, आजकल के माताएं लोग बच्चों की सेवा तो करती नहीं है, वो रख लेती हैं आया, उसकी सेवा करने वाली भी एक कोई और ही रहती है, वही बच्चे को उठाती है, वही बच्चे को सुलाती है, वही बच्चे, और फिर बुढ़ापे में वो माता एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा मेरी सेवा करे। तुमने की बचपन में? अरे बच्चों को बचपन में माता का लाड़ प्यार करना एक प्रकार से वो भी ठाकुर जी की सेवा के समान है, क्योंकि बालक श्री कृष्ण के समान ही है। छोटे बच्चे को देखो, उसमें से कभी दुर्गंध नहीं आती, उसको भले ही चार दिन नहलाओ मत, वो ब्रश करता नहीं है, वो कुछ ऐसे ही रहता है सामान्य, लेकिन उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो अंदर से निष्कपट है। घर का शत्रु आकर के यदि बालक को गोद में ले ले तो बालक चिल्लाएगा नहीं, उसकी गोद में जाके भी हंसता है, क्योंकि वो जानता नहीं कि मुझे किससे बैर करना है, किससे प्रेम करना है, किससे मित्रता करनी है, किससे छल करना है, सबके प्रति सम रहता है, इसलिए उसमें से दुर्गंध नहीं आती, वो कृष्ण स्वरूप है। तुम उसकी सेवा करो बाल्यकाल में, बुढ़ापे में वो भी करेगा। तो इसलिए भैया, इन सब विषयों को समझते हुए आज के प्रश्नों को यहीं विराम देते हैं और कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कथाक्रम कल कहां तक पहुंचा था? कपिल देवहूति संवाद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद का। देवहूति माता के यहां 9 कन्याओं ने जन्म लिया और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल पधारे। आपसे एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है ये, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, कपिल देवहूति संवाद को। बड़े बड़े लोग इस बात पर, इस चर्चा पर पीएचडी करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने एमए किया है इसी विषय पर, कपिल देवहूति संवाद। ये साधारण नहीं है, समय की कम कटौती है इसलिए मैं थोड़ा ही कहूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भयंकर गूढ़ चर्चा है श्रीमद् भागवत की। देवहूति माता को पता है कि मेरे पुत्र कोई और नहीं है, साक्षात भगवान है। एक दिन समय जान करके उन्होंने वृक्ष के नीचे आसन बिछा के अपने पुत्र को बैठा दिया और उनका तिलक करके, माला पहना के, आरती करके, प्रणाम करके देवहूति माता ने कहा, मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, लेकिन मेरे पुत्र बन के आए हो, यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं अपने जीवन से संबंधित, कृपा करके आप उत्तर दीजिएगा। भगवान बोली, जो आज्ञा मां, विराजो। और सामने बैठी हैं देवहूति माता और भगवान कपिल उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। माता देवहूति ने पहला प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से सुनना। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तृष्णा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमत् प्रभो। देवहूति माता का पहला प्रश्न क्या है? हे नाथ, निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 हार चुकी हूं, लेकिन मेरी इच्छाएं पूर्णता पर नहीं पहुंच पा रही है। नाथ, कृपा करके मुझे ये बताइए, ऐसा क्या करूं कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं और फिर कभी दोबारा ना उठें।
प्रश्न समझ में आया? नहीं आया, ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं? कितनी इंद्रियां होती हैं? नहीं, 10, 5 नहीं, 10 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? जिनसे हमको कुछ पता चलता है, जिनसे हमको कोई ज्ञान होता है, वो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। राहुल केला के लोग आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, कैसे पता चलता है? पहली ज्ञानेंद्रिय। संगीत बहुत सुमधुर बज रहा है कानों से, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। पुष्प की सुगंधी बड़ी मधुर है, तीसरी ज्ञानेंद्रिय नाक। प्रसाद बहुत बढ़िया बना है, चौथी ज्ञानेंद्रिय जीभ। आज मौसम में थोड़ी नमी है, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय। ये 5 हो गई ज्ञानेंद्रिय, 5 होती है कर्मेंद्रिय। हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये होती हैं 10 इंद्रियां। अब यहां प्रश्न देवहूति माता कर रही है कि हे नाथ, मैं अपनी 10 इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं। आप लोग खुद विचार करो, सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक आप क्या करते हो? गुलामी करते हैं हम। किन की गुलामी? अपनी इंद्रियों की गुलामी। आंख कहती है मुझे ऐसा दृश्य दिखाओ, उसको दिखाने के लिए भागते हैं। कान कहते हैं मुझे अरिजीत सिंह के गाने सुनाओ, तुरंत सुनाने लग जाते हैं। नाक कहती है मुझे बढ़िया वाला परफ्यूम सूंघना है, तो वो लेने चले जाते हैं। जीभ कहती है मुझे तो वो खाना है छेना पूड़ा, तुरंत लेके आते हैं दुकान से। त्वचा कहती है बहुत गर्मी हो गई एसी लगाओ, तथा से आए हैं पूरे चिपचिपाहट हो रही है। पैर कहते हैं ऐसी चप्पल पहनाओ, हाथ कहते हैं ऐसा स्पर्श कराओ। आप पूरे दिन करते क्या हो? इन 10 इंद्रियों की गुलामी। इन्हीं की इच्छा हम पूरे जीवन भर पूरी करते रहते हैं, लेकिन एक फुल स्टॉप कभी नहीं आता कि हमारी इंद्रियां कहती हूं कि बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। कितने घरों में देखा गया, अब घरों की छोड़ो, मेरी खुद की आदत ऐसी है, अगर घर में भिंडी बनी तो मैं भोजन करता ही नहीं, दूसरी बनाओ। हम जीव के कितने आदि। जीव कहती है मुझे ये नहीं खाना, वही खाना है, तो वही बनवाते हैं हम लोग। लेकिन बंधुओं, आप कभी विचार करो, संपूरा जीवन निकल जाता है इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते, कभी इन पर लगाम लगती है कि नहीं? हम जीव के कितने आदि। जीव कहती है मुझे ये नहीं खाना, वही खाना है, तो वही बनवाते हैं हम लोग। लेकिन बंधुओं, आप कभी विचार करो, संपूरा जीवन निकल जाता है इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते, कभी इन पर लगाम लगती है कि नहीं? देवहूति माता यही पूछ रही है, नाथ मैं हार गई इच्छा पूरी करते करते। आंखों ने जो मांगा, कानों ने जो मांगा, जीव ने जो मांगा, हाथों ने, पैरों ने, गुप्त इंद्रियों ने जो मांगा सब दिया, लेकिन कब तक दूं मैं? ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर जीवन में कभी कोई इच्छा ना आवे, ऐसा कोई मार्ग बताओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हर दम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े पड़े। ये संयम हमारे भीतर बिल्कुल नहीं है।
संयम जीवन में कैसे आएगा, आगे अष्टांग योग के बारे में यहां बताया जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी प्रश्न पर चलें, मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, कैसे पूर्ण करूं इनको, मुझे बताओ। भगवान प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं, मां चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेतः खल्वस्य बंधाय, मां आपको मैं एक निवेदन करके बात कहूं। मां बोली, बोलो। आप इंद्रियों को दोष मत दो, आंख नाक कान आदि ये सब इंद्रियों की कोई गलती नहीं है, इनको तो मैंने ही बनाया, आंखों को मैंने बनाया, नाक आदि सब मैंने बनाई है। अगर विचार करो, आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन कभी होता, कान नहीं होते तो मेरी कथा कभी सुन पाती, पैर नहीं होते तो मेरी प्रदक्षिणा कैसे करती। ये इंद्रियां हैं तो मेरी भक्ति हो पाती है, इंद्रियां नहीं होती तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाती। इसलिए मां, जो इंद्रियां मेरी प्राप्ति कराती हैं वो इंद्रियां असद कैसे हो सकती हैं। इंद्रियों को दोष मत दो। मां बोली, तो फिर किसको दोष दूं। बोले, ये इंद्रियां तो हैं आपकी, एक प्रकार से ऐसा समझो, भगवान कह रहे हैं ये 10 इंद्रियां हमारी 10 पत्नियां हैं, ये 10 इंद्रियां हमारी 10 पत्नियां हैं। पत्नी कौन, जो अपनी इच्छा पूरी करवावे पति से, और पति कौन, जो अपनी इच्छा पूरी करवावे पत्नी से। तो ये 10 हमारी पति पत्नियां हैं, ये अपनी इच्छाएं पूरी करवाते रहते हैं, लेकिन इनका ब्याह तो हमारे साथ हुआ, लेकिन ये प्रेम किसी और से करती हैं। मां बोली, मैं समझी नहीं। बोले, मां देखो, आंख नाक कान जीव हाथ पैर त्वचा आदि ये समस्त इंद्रियां हैं तो आपकी, लेकिन ये कहना किसका मानती हैं, मन का, चित्त का। बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है मां, बंधन का कारण आपका मन है, आपका चित्त है। हाथ थोड़ी कभी कहते हैं कि मुझे ऐसा स्पर्श कराओ, मन कहता है। आंख थोड़ी कहती है कि मुझे ऐसा दृश्य दिखाओ, मन कहता है। पैर थोड़ी कहते हैं कि मुझे ऐसी चप्पल पहनाओ, मन कहता है। अगर पैर कहते कि हमको ऐसी ब्रांड वाली चप्पल ही पहननी है तो कितने लोग, तो वो कौन सी चप्पल होती है, ब्लू वाली हवाई चप्पल, कई लोग तो उसमें भी प्रसन्न रहते हैं, और कई लोग तो चप्पल पहनते भी नहीं है। पैर इच्छा नहीं, मन सबके अलग अलग है और सबके मन की इच्छाएं अलग अलग हैं। इसलिए मैया, बंधन के कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। आप इंद्रियों को दोष मत दो। मां बोली, मैं आपकी बात समझ गई, मन बंधन का कारण है, तो अब ये बताओ मन कैसे सुधरेगा। बोले, मां यदि मन को सुधारना है तो मन के एनवायरमेंट को सुधारो। एनवायरमेंट को सुधारने का मतलब मन जिन जिन वस्तुओं का संग करता है उन संगों को सुधारो, और दूसरा मन पर थोड़ा संयम करो। संग सुधरने से सब सुधर जाएगा। मन का संग सुधारो। मन का संग किससे करवाना है। बोले कि ये 5 गुण जिस व्यक्ति में हो ऐसे व्यक्तियों का संग करना प्रारंभ कर दो, मन अपने आप सुधर जाएगा। और ये 5 गुण कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तितिक्षव कारुणिका श्रुहिद सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ये 5 गुण जिसमें हो मां, आप उसका संग करना शुरू कर दो, मन सुधर जाएगा। 5 गुण कौन कौन से हैं। पहला, तितिक्षव, पेशेंस। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस हो, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य हो, और धैर्य को एक और भाषा, एक और शब्द दे दूं
तो सहन शक्ति हो ऐसे व्यक्ति का संग करो। जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, जिनके अंदर धैर्य नहीं है, ऐसे लोगों का संग करना बंद कर दो। और ऐसा व्यक्ति घर का ही क्यों ना हो, उसके पास कम उठा बैठा करो, नहीं तो उसके संग संग आप भी बिना। और बड़ी जोर की ताली बजी, दो चारों नहीं बजाई, जो भुगत भोगी होंगे उन नहीं बजाई है। पेशेंस जिसके अंदर हो उसका संग करो। धैर्यवंतम, आपके भीतर धैर्य तभी आएगा जब आप धैर्यवान व्यक्ति के साथ करोगे, संग करोगे। जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसका संग छोड़ो। तो पहला गुण तितिक्षव, दूसरा गुण मां जिसका हम संग करें उसके अंदर होना चाहिए कारुणिका। कारुणिका मतलब करुणा, करुणा मतलब दया, सब पर दया करे, किसी के प्रति भी निर्दयता का भाव ना रखे, सबके प्रति जिसके अंदर दया का भाव है ऐसे व्यक्ति का संग हमको करना है। तो पहला गुण सहनशीलता, दूसरा गुण दया, और तीसरा गुण श्रोहेदह सर्वदेहिनाम, समस्त देहधारियों के प्रति जो श्रोहित है, श्रोहित मतलब अच्छा चाहने वाला, वेल विशर, सबका, केवल मानवों का ही अच्छा चाहे, अपने परिवार का ही अच्छा चाहे, अपना ही अच्छा चाहे, ऐसा नहीं, जो सबका भला चाहता हो ऐसे व्यक्ति का संग करना है। रविंद्रनाथ टैगोर, उनको एक बार नेशनल अवार्ड मिला, तो उनको जब नेशनल अवार्ड मिला तो उनको सब लोगों ने आकर के बधाइयां दी, लेकिन उनके घर के ठीक सामने रहने वाला पड़ोसी नहीं आया। तीन पा जीवन में ऐसे आते हैं जो कि बहुत मुश्किल से खुश होते हैं, पहले पड़ोसी, दूसरे पैतृक भाई बंधु मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, और तीसरे पत्नी। ये तीन जल्दी खुश नहीं होते, बाकी मेरा अनुभव कम है तीसरे वाले में, आप लोगों का ज्यादा है। अच्छा एक और पा जोड़ लो, पति, वो भी पा है, लेकिन पति जल्दी राजी हो जाते हैं, पत्नियां नहीं होती हैं। तो ये तीन पा बहुत जल्दी खुश नहीं होते, पड़ोसी, पैतृक भाई बंधु और पत्नी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पड़ोसी नहीं आया, वो टेढ़ी नजर से अपनी खिड़की में से दिखता था, भीड़ लगी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर के बाहर, वो पूरे दिन ऐसे ही बस नाक मुंह मोड़ता रहता था। लेकिन एक दिन टैगोर जी ने सोचा कि सब लोग मुझे आए बधाई देने, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं आया। उन्होंने अपना अवार्ड उठाया और वो खुद गए पड़ोसी के यहाँ, और पड़ोसी के यहाँ जाके गेट खटखटाया, जैसे ही उसने गेट खोला तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उल्टा उसको बधाई दी, बोले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बोला अरे आप यहाँ क्यों आए, अरे आप, मैं आने ही वाला था, मैं सोच ही रहा था कि समय मिलती आपको बधाई देने आऊंगा, लेकिन आप आ गए, आपने क्यों कष्ट उठाया, सामने मुंह पे तो सब ऐसे ही हो जाते हैं ना। टैगोर जी ने उनको प्रणाम कहते हुए कहा कि मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ, क्यों, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं नित्य उठ करके जब अपनी बालकनी में आता हूँ तब आप अपने घर में मुझे कुछ करते हुए दिखते हैं, मतलब मेरे दिन की शुरुआत आपको देख करके होती है, इसीलिए मेरा दिन इतना शुभ जाता है। तो मेरे को आज जो भी उपलब्धियाँ मिली हैं उसमें अधिकार, उसमें कृपा आपकी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। ऐसे ऐसा पिघला पड़ोसी महाराज जीवन भर मुरीद बन के रहा उनका। तो ये किसके लक्षण हैं? श्रोहिदः सर्वदेहिनाम। हम लोग हमेशा ईगो में रहते, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता है, वो आवे, वो बोले, वो करे। अरे झुक जाओ, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, स्कूल में पढ़ा था कि नहीं, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन।
पेड़ वही झुकता है जिसमें फल होते हैं, लेकिन शुष्क काष्ठ सूखा जो लकड़ा होता है वो कभी झुकता नहीं, क्योंकि उस पर फल नहीं होते। और जब आंधी आती है तो झुके हुए वृक्ष खड़े रहते हैं, और जो तने खड़े रहते हैं सीधे सीधे आंधी आती ही गिर जाते हैं टूट के नीचे। इसलिए भैया सदैव झुक के रहो, और खुद को झुकना नहीं आता तो फिर जो झुक करके चलते हैं उनका संग करो, उनके साथ रहो। तो पहला गुण सहनशीलता, दूसरा गुण दया करुणा, तीसरा गुण सबका हितैषी, सबका वेल विशर, ऐसे व्यक्तियों का संग करो। चौथा गुण क्या है? अजात शत्रव, चौथा गुण है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसकी किसी से शत्रुता ना हो। लोग भले ही उसको शत्रु मानते हो लेकिन वो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो, जिसके अंदर किसी के प्रति ये भाव नहीं कि ये बड़ा ये छोटा ये ऐसा ये वैसा, ऐसी कोई भावना ना हो। अजात शत्रव, ये चार गुण हो गए। और अंतिम और सबसे विशेष गुण शांता, जो बहुत कम बोलता हो, बहुत शांत रहता हो, ऐसे पांच गुण वाले लोगों का संग करना चाहिए। आपने यदि ये पांच गुण वाले लोगों का संग किया या ये पांच गुण आपने अपने भीतर ले आए तो आपका मन सुधर जाएगा, और मन सुधरते ही इंद्रियां सुधर जाएंगी। भगवान ने कितनी सहजता से बता दिया। अच्छा, ये पांच गुणों में सबसे कठिन कौन सा है बताओ, जो अभी हमने बताए, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा, इन पांचों में सबसे कठिन कौन सा है? शांता, मौन रहने वाला। आजकल लोग मौन नहीं रहते। हाँ, एक चीज हो गई है, खुद कम बोलते हैं अंगूठे ज्यादा बोलते हैं, खुद कम बोलते हैं अंगूठे ज्यादा बोलते हैं। बहन भाई में लड़ाई हो जाए, एक दूसरे अलग अलग कमरे में जाके एक दूसरे को गालियां लिख के भेज देते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख के भेज देते हैं, मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन मैसेज कर देते हैं। शांता, शांत रहो। या फिर ऐसा कहूं तो जब बोलो तब हरि कथा बोलो, जब बोलो तब अच्छा बोलो। मौन एक आभूषण है बंधु, जितना मौन रहोगे जितना कम बोलोगे उतने शब्दों में भारीपन आएगा, उतना तुम्हारी बातों का प्रभाव होगा। और जितना ज्यादा बोलोगे, जितना चबड़ चबड़ मुंह चलाते रहोगे, उतनी बात की गरिमा नष्ट होती चली जाती है। इसलिए मौन रहना सीखो। रात्रि में सोते समय तो सब मौन रहते हैं, लेकिन दिन में जागते हुए भी जो मौन रहे, उसके अंदर ही अंदर चिंतन चलता रहे, ऐसा व्यक्ति जब मुंह खोलेगा ना तो सामने वाले को लगेगा मानो जैसे पुष्प वर्षा दिए हों इसने। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं। एक बच्चा मुझसे कथा सुन रहा था तो बोला, महाराज जी तो आप तो बिल्कुल प्रिय नहीं होंगे भगवान के, क्यों चार घंटा नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हो। मैंने कहा नहीं भाई, संसारी चर्चा ना करे, बोले तब हरी कथा। तो बंधुओं, इन बातों को जीवन में उतारो। ये पांच गुण या तो अपने भीतर लाओ या फिर इन पांच गुणों से युक्त व्यक्ति का संग करने लग जाओ, मन अपने आप शांत हो जाएगा। किसी दिन यदि आपकी जो है डोसा खाने की इच्छा हो रही है लेकिन घर में बनी करेले की सब्जी, क्या करें? तो तुरंत गाड़ी उठा करके जो डोसा खाने चले जाते हैं, ऐसे लोगों की ही इंद्रियां उनको बर्बाद करती हैं। क्या करना है? जीव की इच्छा हो रही है डोसा खाना है, लेकिन आप तो सीधे जाओ रसोई घर में, उठाई रोटी, उसमें करेला लगाया, रोल बनाया, खा गए। इस प्रकार जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को हट पूर्वक उनकी इच्छाओं को पूरा ना करने पर प्रेरित कर दो। एक दिन ऐसा आएगा इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर तुम जो दोगे, जैसा रखोगे, जैसे रखोगे इंद्रियां वैसे ही रहेंगी। मन की तरंग मार लो,
बस हो गया भजन हो बनी तरंग।